मैं जब भी जिस भी स्कूल यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाता हूँ तो मुझसे लोग सवाल ये ज़रूर पूछते हैं मेरी जर्नी के हवाले से कि मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की। क्योंकि हम एक बहुत ही एक बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट का। ओके। और मेरे फादर एक बिजनेसमैन है तो वो चाहते थे मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखूं और मैं कंप्यूटर की जो बेसिक स्किल्स होती हैं उसको मैं सीखूं। ओके। तो इसके लिए मैंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश में पेशावर में। वहाँ पर एक डिपार्टमेंट था सुपर किड प्रोग्राम के नाम से, तो वहाँ पर उसमें मैंने हिस्सा लिया। ठीक। क्योंकि स्कूल में तो वही वन वे ट्रैफिक सिस्टम है, बच्चों का जो है इंटरेस्ट पर काम नहीं किया जाता, उनकी क्रिएटिविटी पे काम नहीं किया जाता। लेकिन सुपर किड प्रोग्राम में मैंने क्रिएटिविटी देखी, वहाँ पर हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पर काम हुआ, इथिक्स पे, मॉरल्स पे, इंसान टेबल मैनर्स पे, इन सारी चीज़ों के हवाले से काम हुआ हमें। और जो मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे एक बुक दी थी इकबाल दी पुरी सरार के नाम से। okay. तो उस बुक को जब मैंने स्टडी किया वो दैट वॉज ऑल अबाउट अल्लामा मोहम्मद इकबाल एंड ऑल अबाउट पाकिस्तान एंड द मिरेकल ऑफ 21st सेंचुरी। तो उसको जब मैंने पढ़ा मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल से और मैंने उनके कलाम को पढ़ना शुरू किया। क्योंकि उनके कलाम को पढ़ना उसको समझना आसान बात नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ की बात करते हैं, ऐसी चीज़ को आपकी टारगेट करते हैं, खुद ही की बात करते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जिसका इंसान ने कभी शायद नाम भी ना सुना हुआ। तो मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने मेरी मदद की उसको पढ़ने में, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। मैंने फैसला लिया दैट आई वॉन्ट टू बी अ लीडर, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटीज़ के ऊपर काम किया, अपनी इनर कैपेबिलिटीज़ के ऊपर काम किया। और मैं ये हर एक बच्चे को ये पैगाम देता हूँ कि आप अपनी जो इनर पोटेंशियल्स है उसको देखो और आपका जो इंटरेस्ट है आपका, उस इंटरेस्ट को बिल्ड करो अपने काम में और अपने लिए इसी उम्र में टारगेट सेलेक्ट करो। तो अच्छा, मैंने अपने लिए इसी उम्र में एक विजन सेलेक्ट किया। वेरी गुड टू हियर कि आपके मतलब माशाल्लाह से टीचर्स आपको बड़े अच्छे मिले। ये भी बड़ी एक नेमत होती है कि आपको अपने स्कूल में या कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं तो आपको अच्छे टीचर्स अवेलेबल हों। अच्छा हमद, आपने जैसे बताया आपके वालिद तो बिजनेसमैन ही, बिजनेसमैन मामा सारा दिन किचन में होते हैं या कोई काम करती हैं, अगर वो दोनों मसरूफ रहते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको झंझोड़ा, आपका नहीं दिल चाह रहा था कि गली मोहल्ले में जाएँ क्रिकेट खेलें बच्चों के साथ, लोगों के घरों के शीशे तोड़ दें और या फिर भागन दौड़म करें, छुपा छुपाई करें, कुछ इस टाइप की गेम्स होती हैं बच्चे बड़े शौक से करते हैं, तो मतलब ऐसा क्या था इन टीचर्स के मिलने से पहले आपकी इंस्पिरेशन कौन था, आपके वालिद, आपकी वालिदा, किसने आपको पुश किया नहीं हमाद यू आर समथिंग, आपको कुछ बनना है? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया क्योंकि आपने जिस तरह कहा अम्मी बिजी रहती है बिकॉज शी इज़ अ वाइफ हाउस वाइफ, तो घर का ध्यान रखना पड़ता है, अब्बू और बड़े भाई जो हैं वो अपने बिजनेस में जो है वो काम में लगे रहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया वो उन्होंने मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए भेजा, उन्होंने कहा आप अंग्रेज़ी सीखो तो आपके लिए ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, आप बहुत सारे एंगल्स को, बहुत सारे एवेन्यूज़ को ज़िंदगी में समझना शुरू कर सकेंगे। तो उसी वजह से मैं गया अंग्रेज़ी सीखने, लेकिन वहाँ पर जो है सुपर किड प्रोग्राम की मैंने बात की तो वही से मैंने अपना वो स्टार्टअप लिया, राइट, क्यों मैंने अपने जो है काम करना शुरू किया, हम मेहनत करनी शुरू की। हाँ। मुझे सिखाया गया कि मेहनत करोगे, कुर्बानी दोगे, तो इन चीज़ों के बगैर आप अपनी जिंदगी का जो मकसद है आगे नहीं हासिल कर सकते।